यू व्हाट्सअप एंड ऑल राइट गाइस, क्या सब सही लोग, उम्मीद करता हूँ हम लोग सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम लोग गए माइनक्राफ्ट के अंदर और हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर हैं गोकुलधाम सोसाइटी में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे गोकुलधाम सोसाइटी है पूरी जो रियल में है, हम लोगों ने वो माइनक्राफ्ट में डाउनलोड किया है, मोड है ये। और मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट में आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपको गोकुलधाम सोसाइटी घुमा देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इधर से और चलते हैं जल्दी से, देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओके हम लोग जा रहे हैं अंदर। ओ सोटी गैराज, अच्छा ये सोटी भाई का गैराज है। यहाँ पे भाई कार्स भी खड़ी हैं यार, यहाँ पे तो बुकाटी है, यहाँ पे तो दो दो बुकाटी, तीन तीन बुकाटी, वो भाई चार बुकाटी भाई साहब, सब वैरन है भाई। सोटी भाई तो बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है भाई, क्या बात है। और सोटी भाई के मैनेजर हैं शायद वहाँ पे वो खड़े। तो चलते हैं हम लोग अब दूसरी तरफ, उधर भी कुछ है शायद मेरे ख्याल से। अरे भाई उड़ के चलते हैं हम लोग, क्रिएटिव अभी चिंता किस बात की। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ओ भाई साहब जेठा भाई, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इधर ही है क्या? ओ भाई ये फ्रिज है, ओ भाई साहब फ्रिज भी है यहाँ। तो भाई किसी को लेना हो तो कमेंट कर देना, घर पे भिजवा दूँगा। ओ भाई यहाँ पर जेठा भाई बैठते होंगे, एक सेकेंड मैं बैठ के देखता हूँ, एक सेकेंड का। तो गाइस मैं तो बैठने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा हूँ, आप भी मोड डाउनलोड करके ट्राई कर लीजिएगा आप कैसे दिख रहे हैं। तो फटाफट से चलते हैं अगले तरफ। तो गाइस अब हम लोग जाते हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से और चलते हैं कहीं और। अरे भाई ओ सॉरी मैं बैठा ही हुआ था अभी तक। हाँ भाई कुर्सी तो मस्त थी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की, चलो बाय बाय गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब हम लोग चलते हैं मेन गोकुलधाम सोसाइटी में। ओ चलो उड़ लेते हैं हम लोग भाई, हमारे में सुपर पावर्स हैं। ओ भाई हम लोग चालू पांडे जी का तो पुलिस स्टेशन में गए नहीं, चलो पुलिस स्टेशन में भी हो क्या ही जाते हैं। यहाँ पे उनकी कार है और एक और कोई होगा उनकी कार है, पुलिस स्टेशन। चलो अंदर चलते हैं देखते हैं क्या है, गेट खोलते हैं। ओ भाई बिल्कुल असली वाला पुलिस स्टेशन लग रहा है जैसे उसमें था तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। यहाँ पे चालू पांडे जी का शीट है और यहाँ पे यहीं पे ना जेठालाल और ये सब बंद हुए थे यहाँ पे अंदर। ओ भाई सब रियल है, बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप सभी लोग। ओ गोकुलधाम सोसाइटी के गेट भी यहाँ से आता है। चलो अब हम लोग एंटर कर चुके हैं गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर। तो देख सकते हैं आप लोग जैसा कि गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर एंटर कर चुके हैं हम लोग। अरे यार बारिश होने लगी। तो चलो गाइस मैं आपको अब टूर देता हूँ पूरे गोकुलधाम सोसाइटी का। तो यहाँ पर क्रिएटर्स का कार है जो मतलब शो करने आते हैं ना जेठालाल ये सब, और ये ड्रेसिंग रूम है, मैं इसके अंदर नहीं जाऊँगा, मतलब कुछ नहीं होगा इसके अंदर। और यहाँ पे चंकू की लॉन्ड्री, लॉन्ड्री कहते हैं ना इसे, हाँ लॉन्ड्री, यहाँ यहीं पर चाचा जी सबका कपड़ा प्रेस होने आता है। और ये है ऑल इन वन जनरल स्टोर अब्दुल भाई का, यहीं पे अब्दुल भाई और मतलब सभी लोग सोडा पीने आते हैं यहीं पे। और देख सकते हैं आप लोग पूरा जुगाड़ उगाड़ है, सोडा का बोतल है यहाँ पे, केक वेक सब रखा हुआ है खाने पीने का। जेश के अंदर भी है कुछ क्या भाई, अमीर हो गया, डायमंड वायमंड नहीं है भाई, कुछ नहीं है। चलो तब अंदर चलते हैं मेन, तो चलो फटाफट से चलते हैं। ओके हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर मंदिर है, सबसे पहले जब सर नीचे झुका लेते हैं अपना, अब चलते हैं अंदर और चलो मंदिर में दर्शन करके आते हैं भगवान के। यहाँ पर अभी मैंने कोई मूर्ति नहीं रखी, मैं मूर्ति भी ले आऊँगा यहाँ पर, बेल बजाते हैं अभी ऐसे ही है सर। तो यहाँ पे सर नीचे धर के प्रणाम करके चलते हैं। चलो तो यहाँ पर हमने दर्शन कर लिए, गाय माता भी है यहाँ पर और यहीं है पार्क गोकुलधाम सोसाइटी का, देख सकते हैं यहीं पर टप्पू सेना खेलती है, आप सभी ने देखा होगा। तो अब चलते हैं मेन गोकुलधाम सोसाइटी में। तो अब हम लोग एंटर कर लिए हैं गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर और यहाँ पे हमारा प्यारा सा तिरंगा जो कि लहरा रहा है, लहराना इसे नहीं कहेंगे,
यहाँ पे है ऑफिस, और ऑफिस का गेट खुला हुआ है। मुझे तो लग रहा है चोरी हुई होगी यहाँ पे टेस्ट में। ओ भाई साहब, क्लब हाउस, ओके बढ़िया बढ़िया, क्लब हाउस लिखा हुआ है सर, मतलब क्लब हाउस का बैनर है और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो चलते हैं अब हम लोग ऑफिस से, गेट बंद कर देते हैं नहीं तो कुछ चोरी कर लेगा सारे बैनर टप्पू के हमने जो बनवाए हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लब हाउस से, तो फटाफट से उड़ के चलते हैं हम लोग। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है जहाँ पे सुविचार लिखाता है, बीडे मास्टर लिखता है जो सारी भिंडी जी, अरे यार सारी बीडे भाई जो भी कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पे सारे बैठने के लिए हैं, अभी तो कुछ है नहीं, यहाँ पे बैठ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्लब हाउस है, यहाँ पे मीटिंग होता है जो भी होना हो। तो चलते हैं अब अंदर, मतलब अब हाउस में चलते हैं सबके। मुझे नहीं लग रहा मैं सबके हाउस में जा पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं कुछ ही के घर में जाऊँगा, मतलब फेमस लोगों के, जैसे कि पोपट लाल के घर में जाएंगे, अय्यर भाई। चलो देखते हैं किसके इसके घर में हम लोग जा पाएंगे। ओके तो ये किसका घर है, कृष्णन अय्यर। चलो कृष्णन अय्यर, ओ भाई साहब ये बबीता जी और अय्यर का घर देख सकते हैं भाई, खतरनाक। ओ सॉरी सॉरी मैंने गलती से ब्लॉक तोड़ दिए यार, नहीं पता मैं प्रेस कर रहा हूँ ना तो टूट जा रहे अपने आप ब्लॉक सारे। तो यहाँ देखते हैं अंदर, ओ ये किचन है मेरे ख्याल से, शायद किचन ही है ना, हाँ किचन है। ओके बढ़िया उसे बनाया बढ़िया से, और ये मोड है जिसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। तो ये बैलकनी है, बैलकनी। ओके बढ़िया हाउस है इनका भी, आपने खुद नहीं देखा होगा। ओके ये बेडरूम है और ये बाथरूम होगा शायद, हाँ बाथरूम है। चलो बेड किया, चलो अब हम लोग चलते हैं पोपट लाल के घर में। तो पोपट लाल का घर में ख्याल से बगल ही में होगा, अच्छा एक फ्लोर ऊपर है पोपट लाल का घर। ओके पोपट लाल, और ये किसका है, ये खाली है क्या है के पोपट लाल, पोपट लाल, ओ पोपट लाल का घर खाली खाली, ना ही उसकी वाइफ ना ही उसका घर भरा हुआ है। अरे यार क्या क्या बोलता हूँ, उसका बेडरूम है पोपट भाई का, ये उसका बाथरूम है, उनका बाथरूम है, और क्या है इस घर में, ये क्या है, किचन है और डाइनिंग टेबल लगा हुआ है यहाँ पे, और ये बालकनी है जहाँ से बढ़िया व्यू आता है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं और कहीं पे पोपट, ये सी विंग तो हो गया है, अब हम लोग चलते हैं सी विंग था ना ये शायद, पता नहीं मुझे, देखो देखना पड़ेगा कौन सा विंग है। अच्छा छोड़ो यार, कोई सा भी विंग हो, अब हम लोग चलने वाले हैं तारक भाई के, सॉरी तारक मेहता साहब के घर में, तारक मेहता अंजलि मेहता। तो अब हम लोग चलते हैं अंदर, और अभी 8 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो मैंने बोला था ना बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अब हम लोग अंदर चलते हैं तारक मेहता साहब के घर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं उनका टीवी है और सोफ़ा है बैठने के लिए, और अंदर चलते हैं। अरे भाई गेट खोलो, ये उनका बेडरूम है और यहीं पर वो लिखते हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया है घर में भी लेखक साहब। ओ एक और वही तो मैं सब इतना छोटा घर पकड़ा हुआ है, ओ ये टॉयलेट है और कहीं एक गेट, अच्छा यहाँ पे गेट है, ये किचन है, किचन छोटा सा है इनका पर ठीक है बढ़िया है। वहीं पे अंजलि भाभी करेला का जूस बनाती हैं जो मेहता साहब को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब हम लोग चलने वाले हैं सबसे मेन क्रिएटर यानी जेठा भाई के घर में, अब हम लोग जेठा भाई के घर में जाने वाले हैं। चलो हम लोग चलते हैं जेठा लाल चंपक लाल गड़ा के घर में। तो ये हमने ओपन किया गेट, और इधर एक टप्पू का रूम, यहाँ पे बालकनी है। अरे यार मुझसे ब्लॉक क्यों टूट जा रहे हैं यार, ये शायद टप्पू का रूम है, नहीं ये टप्पू का रूम है। ओ भाई साहब बढ़िया बना रखा है यार टप्पू का रूम। चेस्ट भी है यहाँ पे, चेस्ट में कुछ नहीं है,
मैं सोच रहा हूँ इस रूम को अपना बना लूँ। बढ़िया है यार, मैं कभी नहीं आया, पहली बार मैं पहली बार आया हूँ इस रूम में। चलो तो अब उधर चलते हैं, हम लोग टप्पू का रूम तो देख लिया, टप्पू एंड चाचा जी का रूम। तो ये है जेड हाई घर, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बैठने के लिए सोफ़ा है, टीवी लगा हुआ है, और ये झूला है जो सुंदर लाल ने दिया था, और ये डाइनिंग टेबल है जहाँ पे खाना खाया जाता है, और ये किचन है जो बिल्कुल सूना हो चुका है दया भाभी के जाने से। ओके, और यहाँ पे बेड है जहाँ पे हम लोग अभी सो जाते हैं, रिस्पॉन पॉइंट हम लोगों का सेट हो चुका है घर का। ओके, अब हम लोग चलते हैं बीड़े भाई के घर में। सॉरी, हम बीड़े भाई के घर में नहीं, अभी हंसराज हाथी भाई के घर में जाने वाले हैं। ओ, ये रहा सखाराम, सखाराम इसका हेडलाइट ऑन कर देते हैं, हेडलाइट भी हो गया ना शायद, ये ऑन हो जा। चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डॉक्टर हंसराज हाथी भाई के घर में। तो ये हमने खोला गेट, और यहाँ पे फ्लावर रखा हुआ है। ओके, ये है उनका सेंटर जहाँ पे आते हैं सभी लोग, और ये उनका ट्रीटमेंट का वो रूम है। ओके, यहाँ पे तो सब ठीक है, और यहाँ पे बुक्स रखे हुए हैं और शेल्फ कर रखे हुए हैं तिजोरी के, और यहाँ पे किचन है, फ्रिज है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जो आया है फ्रिज, और देखते हैं और क्या है। यहाँ पे बेडरूम है इनका, और टॉयलेट है, बस यही है सारे फ्लोर्स। आपका कौन सा फेवरेट है आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, कि आपको किसका घर देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अब हम लोग जा रहे हैं बीड़े भाई के घर में, बीड़े भाई का घर मेरे ख्याल से यहाँ पे है, हाँ आत्माराम तुकाराम बीड़े। ओके, ये हम लोग आ चुके हैं बीड़े भाई के घर में, और देख सकते हैं यहाँ पे उनका बोर्ड है, और यहीं पे वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, देख सकते हैं आप लोग, चेयर्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे ये मेरे ख्याल से यहाँ पे, अच्छा वहाँ पे है भगवान जी का वो घर। तो अंदर चलते हैं, यहाँ पे बेडरूम, और यहाँ पे एक स्टडी टेबल है सोनू का, यहाँ सोनू का रूम है मेरे ख्याल से, सोनू का रूम है। अच्छा, गेट बंद कर देता है हम लोग, अब हम लोग चलते हैं यहाँ, यहाँ टॉयलेट है बस, अब चलते हैं। यहाँ पे भी एक रूम है क्या, रूम में चेक क्या, अच्छा ये किचन है, किचन है, लोग देख लिया आप लोगों ने। तो अब किस घर हो जाए, अब सोड़ी का घर हो जाए, तो अब चलते हैं सोड़ी भाई के घर में। तो अब हम लोग आ चुके हैं, अब हम लोग आ चुके हैं सोड़ी भाई के घर में, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग उनका सोफ़ा रखा हुआ है, और ये डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, यहाँ पे दो दरवाजे हैं, यहाँ पे उनका बेडरूम है, अरे यार, और यहाँ पे उनका किचन है, और क्या हो सकता है यार, उनका एक बार गेट लगा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा ना, अरे यार ऐसे नहीं, हाँ अब ठीक है। और क्या इनके घर में एक और गेट है, चलो अंदर चलते हैं, एक और गेट है, अच्छा ये बालकनी है। तो यही थी गाइस पूरे गूगल डाउन सोसाइटी, मैंने जो आपको दिखा दी है, आपको कैसी लगी पूरी गूगल डाउन सोसाइटी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि गूगल डाउन सोसाइटी को अपने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में डाउनलोड कैसे किया जाए। तो गाइस सबसे पहले आपको बिल्डिंग फॉर माइनक्राफ्ट पीई डाउनलोड कर लेना है, फिर उसे ओपन करना है, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ओपन हो जाएगा। और गाइस उसके बाद आपको सर्च करना है गूगल डाउन सोसाइटी। तो गाइस यहाँ पे मैंने गूगल डाउन सोसाइटी सर्च कर लिया है, और आपको जो टॉप पे आ रहा है, और उसके नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो और आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको पुराना वाला भी मिलेगा जो पुराना वाला गूगल डाउन सोसाइटी था। तो आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, और वो डाउनलोड कर लेगा, और उसके बाद एक ऐड आएगा, और ऐड को आपको स्किप कर देना है, और यहाँ पे मैंने ऐड को स्किप कर दिया, और आपका जो भी वर्ल्ड होगा उसमें आपको अपने गूगल डाउन सोसाइटी मतलब उस वर्ल्ड पे क्लिक कर देना है, और आपका गूगल डाउन सोसाइटी उस वर्ल्ड में आ जाएगा। तो मैंने तो पहले ही से अपनी गूगल डाउन सोसाइटी को किया हुआ है, तो आप कर लीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। एक सेकेंड यार, कहाँ गया, हाँ
तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।